सुप्रभात मित्रों, मैं इंजीनियर सक्षम गुरुकुल ई स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चीनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करके भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाकों को पूरी तरह से चीनी सेना मुक्त कर दिया है। सुशांत सिंह मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सुशांत ने कोटक महिंद्रा के अपने रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल से व्हाट्सएप पर लिखकर बैंक से लिंक मोबाइल नंबर को बदलने की बात कही थी। G4 के चारों देशों भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के व्यापक बदलाव की मांग में एकजुटता दिखाई है। पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक और आकाशगंगा की खोज भारतीय खगोलविदों के द्वारा की गई है। अगली खबर, कल COVID-19 के संबंध में हुई बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं, सिर्फ रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। अगली खबर, कल लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने परास्नातक के कई पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ज्यादातर परीक्षाएं सितंबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में शुरू होंगी। अगली खबर, कल JEE मेंस की परीक्षा में 44% छात्र अनुपस्थित पाए गए। पहले दिन सिर्फ 3 केंद्रों पर ही परीक्षा का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में तेजी आने के बाद स्थानीय सर्राफा बाजार में कल सोने में 418 रुपए की तेजी के साथ 52,638 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले हफ्ते COVID-19 पॉजिटिव आए चेन्नई सुपर किंग्स के 13 सदस्यों के अलावा बाकी सभी सदस्य नवीनतम नतीजों के में निगेटिव आए हैं। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 37,69,000 के पार पहुंच गया है। कल के कुछ मुख्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। धन्यवाद।